तो डीआईपी डाइट क्या है, मैं अगले 1 मिनट में बताने जा रहा हूँ। डीआईपी डाइट में क्या है, पहली पहला स्टेप, 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ फल होगा। कोई भी 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए, और जैसे पपीता है, संतरा है, वाटरमेलन है, सेब है, और अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो मीठे फल लीजिए, जैसे आम है, चीकू है, अंगूर है, अभी तो आम का सीज़न है, ढेर सारा खाइए। अरे आम तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था, 15 साल से मैं नहीं ले रहा हूँ, तो डायबिटीज़ ठीक हो गया होगा। तो अगर आम खाने से डायबिटीज़ होती और आम नहीं ले रहे तो ठीक हो गया होगा, नहीं ठीक हुआ, इसका मतलब आम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि इसका उल्टा, आप ढेर सारा खाइए और चेक कीजिए। हमारे पेशेंट ढेर सारा खा के जब दोबारा चेक करते हैं, उस दिन दवा भी नहीं लिया, इंसुलिन भी नहीं लिया, और जब देखते अरे ये तो रीजनेबल ठीक ठाक है ब्लड शुगर, तो कई बार लगता है कि वो ग्लूकोमीटर ही ठीक नहीं चल रहा। तो दीज थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट। तो 12 बजे तक आपको पेट भर के फल खाना है, कौन से वाले फल खाना है वो आपको चूज करना है। इसका मतलब ये कि रोटी, पराठा, ब्रेड, चाय, बिस्किट, ये सब चीज़ें बंद। तो मैं आपको भूखे रहने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पेट भर के सिर्फ और सिर्फ फल खाइए और ढेर सारा खाइए। वेरायटी कहाँ से आएगी, अरे फल भगवान ने वेरायटी वाली बनाई है, इतने सारे प्रकार हैं, तो रोज बदल बदल लाइए तो वेरायटी हो गई। वैसे भी रोज कहाँ वेरायटी लेते हैं आप, देखिए चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल से सेम ही चीज़ तो कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग को वेरायटी चाहिए नहीं ना, इसका मतलब जो लोग पराठे खाते हैं तो 30 हमेशा से बचपन से वही खा रहे हैं, और वेरायटी चाहिए तो फलों में तो वेरायटी होती है सीजन के हिसाब से। तो 12 बजे तक सिर्फ यही डाइट। अब आते हैं लंच पे। जब भी कभी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, देखिए इसमें 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ये जो प्लेट 2 ना, ये आपका प्लेट, आपकी जीभ के लिए है, टंग के लिए है। इसमें आप वो सब डाल दिए जो आप खाना चाहते हैं। आप क्या खाना चाहते हैं, आप रोटी खाना चाहते हैं, चावल खाना चाहते हैं, आप सब्जी खाना चाहते हैं, दाल खाना चाहते हैं, पकौड़े खाना चाहते हैं, आप छोले भटूरे खाना चाहते हैं, पूरी सब्जी खाना चाहते हैं, पाव भाजी खाना चाहते हैं, उल्टा सीधा नूडल खाना चाहते हैं, जो भी खाना चाहते हैं आप यहाँ डाल दीजिए ढेर सारा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए, बल्कि मैं बोल रहा हूँ खाइए, ज़्यादा खाइए, लेकिन इसको छूने से पहले, इस प्लेट को छूने से पहले प्लेट 1। प्लेट 1 क्या है, 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो आप कच्चा खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, वो ले लीजिए। कितना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, कितनी क्वांटिटी, योर बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 70 kg, इंटू 5 दैट बिकम 350 ग्राम, 350 ग्राम, इतना आप कच्चा सब्जी खाएंगे, कच्ची सब्जी, और उसके बाद ही ये छू सकते हैं। आप बोलेंगे इतना खा लूंगा तो पेट भर जाएगा, हाँ पेट भर जाएगा पहले 3 दिन, चौथे दिन क्या होगा, जितना खाएंगे प्लेट 1 उतनी आपकी भूख बढ़ेगी, और जितनी आपकी भूख बढ़ेगी उतना प्लेट 2 खाएंगे। अगर नॉर्मली आप लंच में 4 रोटी लेते हैं, अभी आप देखेंगे ये खाने के बाद 4 रोटी अब भी खाएंगे आप, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ चुकी होगी, आपकी भूख बढ़ चुकी होगी। जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, ये नियम आप दिमाग में रखिए कि पहले प्लेट 1 खाएंगे, उसके बाद ही प्लेट 2 छुएंगे, और डिनर 8 बजे से पहले खत्म कर लीजिए। अब आखिरी स्टेप, दो चीजों को छोड़िए, एक तो पैक्ड फूड, जो चीज फैक्ट्री से आती हो उसे स्टॉप कर दीजिए। फैक्ट्री से बिस्किट आता है, ब्रेड आता है, पैक फूड आता है, और दूसरी चीज जो चीजें जानवरों से आती हो, अंडा है, चिकन है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, छोड़िए इसको। क्यों छोड़िए, कभी और आएंगे इस बारे में, लेकिन ये दोनों चीज छोड़ दीजिए। बदले में क्या लीजिए, सोक्ड नट्स, पीनट्स हैं, आलमंड, कैशू नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, फ्रूट्स दिन भर भी खा सकते हैं ढेर सारा, 12 बजे के बाद भी एज स्नैक्स, धूप खाइए 40 मिनट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्री की चीज पे ध्यान नहीं जाता है। तो 40 मिनट नहीं तो 30 मिनट, 30 मिनट मिनट नहीं तो 20 मिनट, 20 मिनट नहीं तो 15 मिनट, अच्छा 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट तो बैठ ही जाइए ना, अभी अभी तो 10 मिनट बैठेंगे तब भी काम चल जाएगा, बट लिटिल बिट ऑफ सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये तीनों स्टेप कल किए, तो मैं आपको वार्निंग एक देना चाहता हूँ कि अगर आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की दो गोलियों पे हैं, तो ये तीनों गोलियों को अगर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप क्यों करना पड़ेगा, अगर दवाई भी लेंगे और ये भी लेंगे तो लो ब्लड प्रेशर आ जाएगा, लो ब्लड शुगर आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नीचे की तरफ आएगा, जो कि बहुत खतरनाक बात है। और अगर कहीं इंसुलिन पेशेंट आप हैं, तो जब आप ये डाइट शुरू करेंगे